मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अमीर लोग कैसे बनते हैं या मल्टी मिलियनर लोग कैसे बनते हैं। और यह है रिच डैड पुअर डैड, जो बहुत फेमस किताब जो है उसमें से। तो इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि भाई अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं और गरीब गरीबी क्यों रहते हैं। तो रॉबर्ट को दो बाप थे, एक बाप जो था वो अमीर था और दूसरा बाप जो था वो गरीब था। अब यहाँ उसको ये मत मतलब उसका कुछ बुरा अर्थ आप मत लगाओ। अमीर मतलब जो बाप था कि वो उसके दोस्त का बाप था, मतलब उसके दोस्त के पिताजी थे, और जो गरीब थे पिताजी वो उसके खुद के पिताजी थे। तो रॉबर्ट को दो पिताजी के साथ में इंटरेक्शन करने का मौका मिला, एक जो अमीर थे वो उसके दोस्त के पिताजी, और जो दूसरे थे वो उसके खुद के पिताजी। खुद के पिताजी गरीब गरीबी रहे जिंदगी भर, और उसके दोस्त के पिताजी थे वो अमीर रहे। पहले जो थे उसके खुद के पिताजी वो पीएचडी थे, बहुत बड़ी उनको नौकरी थी, और दूसरे जो थे उसके दोस्त के पिताजी वो सिर्फ 8वां और गई 5 थे। मगर दोनों की सोच अलग अलग थी। रॉबर्ट को दोनों सोच को देखने का मौका मिला, अलग अलग सोच को, और उसको पता लगा कि अमीर बाप और गरीब बाप इसमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। उसके गरीब बाप उसको बोलता था कि पैसा है जो है ना, ये सब चीज़ का प्रॉब्लम है, सब जड़ का प्रॉब्लम जो है वो पैसा है। उसके अमीर बाप बोलते थे कि पैसा ना होना ये सभी प्रॉब्लम का मतलब सभी प्रॉब्लम का जड़ है, पैसा ना होना सभी प्रॉब्लम का जड़ है। उसके गरीब बाप बोलता था कि महंगी चीज़ें मत खरीदो, महंगी चीज़ें खरीदी करेंगे तो अपना मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, तो महंगी चीज़ें मत खरीदो। और दूसरा जो अमीर बाप जो था बोलते सोचो कि तुम महंगी चीज़ें कैसे खरीद सकते हो। बोलता था उसके गरीब बाप जो बोलता था कि बहुत बहुत पढ़ाई करो, बहुत पढ़ाई करके बहुत बड़ी डिग्री लो और बहुत बड़ी नौकरी एखादी कंपनी में ले लो। उसका जो अमीर बाप बोलता था कि बहुत पढ़ाई करो, बहुत पढ़ाई करो, बहुत बड़ी डिग्री लो, खुद की कंपनी खोलो और वो कंपनी में काफ़ी सारे लोगों को आप नौकरी दे सकते हो। रॉबर्ट ने उसके दूसरे बाप की मानी, जो अमीर बाप था उसकी मानी, और उसके मानने से वो मायामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर इंसान बन गया, करोड़ों रुपये कमा ली। पहला बाप गरीबी रह गया और दूसरा बाप जो था वो अमीर बनते गए, वो खुद भी अमीर बने। उसके अमीर बाप ने उसको रॉबर्ट को फाइनेंशियल जो लिटरेसी है वो सिखाई कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। और फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये होता है कि भाई असेट और लायबिलिटीज़ के बारे में उन्होंने उनको सिखाया। एक्चुअली हमारे इनकम टैक्स या बाकी जो अकाउंट्स है उसके उसमें जो असेट और लायबिलिटी का डेफिनेशन जो है वो यहाँ नहीं उन्होंने लिखा है, यहाँ वो अलग तरह से असेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन करते हैं। वो बोलते हैं कि असेट वो है कि जो आपको पैसे बना के देंगी, असेट वो चीज़ है कि जो आपके वो जो आपके खिसे में पैसे जमा करके देंगी या पैसे कमा के देंगी, और जो भी चीज़ पैसा कमा के अपने को देती है वो है असेट। और लायबिलिटी वो चीज़ है कि जो अपने जेब में से पैसे निकाल लेंगी और बाहर लेके जाएंगी। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि गोविंद और गोपाल दो दोस्त है। गोविंद जो है और गोपाल जो है दोनों भी एक ही कंपनी में एक साथ काम करते हैं और उनको दोनों को सरी की सैलरी है। गोपाल जो है वो ऐसा है कि वो जितनी भी सैलरी आती है वो उसको उड़ा देता है। उसने अच्छी बाइक ले लिया, उसने अच्छा मोबाइल खरीदा, अच्छे अच्छे कपड़े पहन मतलब खरीद लिए, और वो पूरे सारे मतलब जो पैसे उसको मिलते हैं वो सब खर्चा कर देता है। उसके पास में महीने के आखिर में कुछ पैसा रहता ही नहीं है, और जो भी उसके पास में चीज़ है वो सब लायबिलिटी है, क्योंकि वो एक तो खरीदने में पैसा जाता है और वो चीज़ें खरीदने के बाद में वो चीज़ें मेंटेन करने में खर्चा जाता है। मतलब वो मोबाइल रहो या बाइक रहो, जो भी चीज़ें ऐसी, या टीवी रहो या फ्रिज रहो, ये चीज़ें पैसे खिसे में से बाहर लेके जाती है। अब दूसरा देखो इसका हिस्सा जो है, गोविंद जो है वो कंपनी में है, वही सैलरी है, मगर वो क्या करता है कि जो अपने को चीज़ें मिली, जो उसको सैलरी मिली है, वो सैलरी में वो बॉन्ड्स खरीदता है, स्टॉक्स खरीदता है, म्यूचुअल फंड खरीदता है, रियल इस्टेट में पैसा डालता है, या मतलब ऐसी या नया नया कुछ सीखता है, वर्कशॉप सेमिनार्स करता है कि जिससे उसको ज्ञान मिले,
होता क्या है कि 2 साल बाद गोविंद जो है वो करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसने जो जो जहाँ जहाँ पैसे डाले वो चीज़ें उसको पैसे कमा के दे रही है, वो करोड़पति बन गया। और गोपाल जो है वो जो जिसने जो भी उसने पैसा मतलब गंवा दिया, वो 2 साल के बाद में उसके पास में पैसे पैसे कुछ बचे ही नहीं। तो ये दोनों में फ़र्क है, ये हमको समझ लेना चाहिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब असेट एंड लायबिलिटी, जिसमें असेट अपने को पैसे कमा के देंगी, लायबिलिटी अपने जेब में से पैसा बाहर लेके जाएगी। हमको ये देखना है कि गरीब गरीब क्यों रहते हैं और अमीर अमीर क्यों हो जाते हैं। तो देखिए है कि एक है पुअर क्लास, एक है मिडिल क्लास, एक है रिच क्लास। पुअर क्लास के लोग क्या करते हैं कि वो कमाते हैं पैसा और कमाने के बाद में पूरा का पूरा पैसा खर्चा कर देते हैं। तो उनका कैश फ्लो ऐसा रहता है, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये पूरा खर्चा हो गया। मिडिल क्लास लोगों का क्या रहता है कि वो इनकम करते हैं, इनकम करने के बाद में वो खर्चा करते हैं और घर मतलब घर का खर्चा जो है उनको लगता है वो, और खर्चा करने के बाद में अपनी लायबिलिटी बढ़ाते हैं, मतलब वो कार खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, और जहाँ से आपको पैसा मतलब जहाँ आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, जहाँ आपके जेब में से पैसा जाएगा। तो मिडिल क्लास लोगों के पास में भी पैसा रहता नहीं है, उनके पूरे पैसे जो है जो कमाए हुए वो ये जो चीज़ें खरीदी है उनके हफ्ते भरने में जाता है। रिच क्लास जो है वो इनकम करता है, इनकम करने के बाद में पहले वो इन्वेस्ट करता है असेट्स में, और असेट मतलब जैसा मैंने पहले कहा कि जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, जहाँ से आपको जेब में आपके पैसा आ रहा है। तो रिच क्लास क्या करता है कि पैसे कमाता है, वो इन्वेस्ट करता है असेट्स में, और बाद में फिर खर्चा करता है। और उसमें अनदर लेवल, एक और लेवल ऐसी है कि असेट में खर्चा करने के बाद में फिर बाद में एक्सपेंडिचर करता है वो, वैसे असेट से भी वो इनकम करता है, और असेट से इनकम करने के बाद में फिर और वहाँ से खर्चा करेगा। तो ऐसा ये जो कैश फ्लो है, ये कैश फ्लो बहुत महत्व का है। वो कैश फ्लो हम समझा के लेंगे तो फिर हमको मालूम पड़ेगा कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं। हमको ये देखना है कि कंज्यूमर की सोच जो है वहाँ से हमको बाहर निकलना पड़ेगा और इन्वेस्टर की सोच में आना पड़ेगा। हमको यदि इनकम बढ़ाने का है तो इन्वेस्टमेंट की सोच लानी पड़ेगी, और इन्वेस्टमेंट की सोच जब हम लाएंगे तभी हम अमीर बन सकते हैं। क्यों होता क्या है कि हम इनकम बढ़ाने के बाद में हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और फिर हाथ में फिर कुछ बचता नहीं है। इनकम बढ़ाने के बाद में खर्चे कैसे बढ़ाते हैं, तो खर्चा बहुत करेंगे खाने पीने के ऊपर या घर के ऊपर, या फिर हम मौज की चीज़ें खरीदेंगे जहाँ से हमारी लायबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगी और वहाँ खर्चा हो जाएगा। तो हमको ये देखने का है कि असेट्स बढ़ाते जाओ, जो अपने जेब में बार बार पैसा लाएंगे वहाँ से आप अमीर बनेंगे। ये बातें मैंने पूरी रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी का जो किताब है वहाँ से ली हुई है, आप जरूर वो किताब पढ़िएगा, वहाँ से आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी हो जाएगी, और अमीर कैसे बनना है उसके बारे में जानकारी लेके आप जरूर अमीर बनिए। आप ये वीडियो काफ़ी लोगों को शेयर करो जिनको अमीर बनने की इच्छा है, जिनकी मेंटेलिटी जो है वो कंज्यूमर मेंटेलिटी है। अब आपके दोस्तों में, आपके फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करो। आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर सब्सक्राइब करो, और बाद में जो बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर भी हिट करो, ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे, उसकी जानकारी आपको पहले आएंगी। तब जरूर आपके इसमें शेयर करो। हमारा जो मिशन है वो है मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए और व्यसन मुक्त भारत, उसमें आपका हाथ जरूर लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।